हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विद शिवी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो वहां पे मेरे किचन के सारे काम हो रखे थे और यहाँ पे मैं गेट कर देती हूँ बंद। आपको मैं थोड़ा सा रेडी लग रही होंगी और एक मिनट ये कर्टन लगा दूं, बाहर से बहुत अच्छी रोशनी आती है। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं। कहाँ जा रहे हैं? तो मैं जा रही हूँ शिवी के कुछ अर्जेंट काम से, स्कूल के पर्पज से जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ये पैक कर ली है ग्रेप्स और बनाना। बनाना को हाफ हाफ करके टिफिन में एडजस्ट कर लिया है क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने क्या खाया था, चाय के साथ ब्रेड खाया था और शिवी ने जो है मखाने और ड्राई फ्रूट्स वगैरह बोल लिया था। तो शिवी ने भी कुछ ज्यादा हैवी नहीं खाया। तो नहाने के बाद फिर ये हुआ कि फटाफट निकलो क्योंकि हमारी जो स्कूल में अपॉइंटमेंट है वो 1 बजे के आसपास की है और 12:30 तो हो ही गया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस बना रही हूँ बैग में रखने के लिए ताकि बैग में आराम से मेरे यहाँ पे टिफिन आ जाए और उसके बाद हम लोग निकल गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, शिवी की पहले दो चोटी। ओ, शिवी की दो चोटी। शिवी अपनी चोटी तो दिखाओ, दिखाओ चोटी। वाओ, कैसी लग रही है शिवी की, ये देखिए दो चोटी। आज शिवी म्याओ बनी है और अभी हम एक स्कूल देखकर आ गए हैं शिवी का। अब सेकंड स्कूल जो है हम देखने जा रहे हैं क्योंकि वो हाँ घर से काफी दूर पड़ रहा है। जो पहला वाला हम देख कर आ गए हैं, जब आप मैप में देखो तो वो कुछ किलोमीटर ही दिखाते हैं बट रियल लाइफ में जब आप निकलो और कितना ट्रैफिक है क्या है, और बच्चे के लिए थोड़ा सा देखना बहुत जरूरी होता है कि कितना गैप हो रहा है टाइमिंग में, तो वो सारी चीजें देख करके हमें लगा कि थोड़ा सा दूर है। तो आप घर के पास के रूट में भी हम एक दो स्कूल देख ले रहे हैं, देन उसके बाद डिसाइड करेंगे क्योंकि 31 मार्च से पहले पहले एडमिशन लेना है। और शिवी ने ये बिंदी उससे काजल से लगाई है ना शिवी, बिंदी भी लगाई है शिवी ने, छोटी भी की है। और इसको अंदर रख दो, फोटो खिंचवाना नहीं खिंचवाना। शिवी कहाँ जा रही है? स्कूल के पास। शिवी शिवी क्या खाएगी? शिवी बताओ, शिवी क्या खाएगी? इसमें से पढ़ के बताओ क्या खाएगी? डोसा खाएगी। और क्या खाएगी? और शिवी को देखिए, यहाँ पे मच्छर ने काटा है कि यहाँ मच्छर काटा है? मच्छरों ने प्रवेश कर लिया है ना मेरे। और हम लोग कुछ खाने के लिए आए क्योंकि आज हमारा पूरा दिन चला गया। बज रहे हैं 4 बज रहे हैं और इतनी तेज भूख लगी है। हमने सोचा था कि हम शायद जल्दी आ जाएंगे तो घर पे मैं ना तैरी वेरी बना के खा लूंगी, बट सब उल्टा हो गया क्योंकि जिस स्कूल में दूसरे स्कूल में गए उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। बट स्कूल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मीन्स बहुत अच्छा लगा हमें। सारी एक्टिविटीज एंड सब कुछ देखते करते सारा स्कूल का हमने देखा। तो स्कूल के लिए हमें शिवी के लिए बड़ी, वहाँ पे केजी क्लास जो है वो 5 ईयर्स से है, वो कम से कम 4.5 तो हम लेते ही लेते हैं और शिवी अभी 3.5 की है। तो उन्होंने कहा कि आपने जो इससे पहले किया है वो प्री नर्सरी हम कंसिडर करते हैं, तो उस एज के अकॉर्डिंग उसको अभी नर्सरी में ही करवाएंगे। तो देखते हैं, और एक दो और स्कूल है वो भी देख लेते हैं, फिर सारा बैठ करके वेनेसडे तक हम फाइनल कर देंगे और बता देंगे कि कहाँ पे क्या करना है। बट आप लोगों को नहीं बताऊंगी कहाँ पर आ रही हूँ, तो हम लोग नो जंप नहीं करना। और शिवी तो खाएगी प्लेन डोसा। हमने दम आलू बहुत टाइम से नहीं खाया दम आलू और रोटी क्योंकि बहुत भूख लगी। हमने सोचा कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है मेन्यू में, मंगवाओ और खाओ डोसा। तो ये शिवी का डोसा आ गया शिवी को, क्योंकि डोसा खाना था, मैंने प्लेन डोसा मंगवाया क्योंकि हम मैं थोड़ा वो भी। तो ये शिवी डोसा खाएगी, डोसा के नाम पे तुरंत आ गई है, वैसे भाग गई थी। वाओ शिवी, डोसा कौन खाएगा? आप मुझको भी डोसा खाना। अब देखो डोसा खाने के लिए तो तुरंत बैठ गई है, वैसे पहले भाग रही थी ये। हाँ तोड़ो, रुको मैं खिला रही। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट डे, मतलब कि संडे का दिन है। यहाँ पे मेरे घर में कुछ लोग आने वाले थे, मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कौन आने वाले हैं। तो मैंने सबके लिए डिमांड पे बनाई थी आलू पूड़ी, और ये बेड़मी पूड़ी का आटा मैं अपने सब्सक्राइबर के कहने पे लाई थी, उन्होंने बताया था। तो मैं बिग बाज़ार गई थी तब लेकर आई थी, तो उसको मैंने गुनगुने पानी से जैसे उसमें लिखा था और हल्का सा घी लगा के गूंद करके मैंने रख दिया था, कोई नमक वगैरह कुछ नहीं डाला था और रेस्ट करने के लिए रख दिया था। अब मैं घर के थोड़े कुछ काम करूंगी। मेरे घर में आलू टमाटर सब खत्म हो गया था, धनिया, ये ब्रेड का पैकेट, दूध दही कोल्ड ड्रिंक, और कुछ गेस्ट आने वाले थे। गेस्ट क्या मतलब, फैमिली मेंबर ही आने वाले थे और वो शिवी नीचे हंस रही है। तो मेरा देवर और देवरानी आने वाले थे, तो देवर ने पहले ही बोला था भाभी मैं आपके हाथ से आलू पूड़ी खाऊंगा। तो मैंने कहा पूड़ी जब खाना ही है तो चलो मैं बेड़मी पूड़ी का आटा नहीं वही बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने वो पूरा आटा गूंद दिया क्योंकि ये सब लोग खाएंगे तो खाएंगे। तो अभी दोपहर हो गई है, आने में थोड़ा टाइम हो गया, संडे था
थोड़े बहुत कपड़े, बहुत सारे, थोड़े बहुत नहीं, नाम के बहुत सारे कपड़े, शिवी के तो इतने कपड़े निकलते हैं, हमसे ज्यादा शिवी के कपड़े गंदे होते हैं, मुझे ऐसा फील होता है, स्कूल के फिर घर के, फिर एक रात में होते होते एक और चेंज हो ही जाता है। यहाँ शिवी देखिए बैठी है, इसको मैंने हिंदी की ये देखी, यही वाली बुक लेकर आई थी, हिंदी की ये वाली सॉरी सामने से देखी, ये लेकर आई थी, और ये बुक ओनली 94 रुपीज की है, इसमें पूरा है। अभी शिवी को मैंने थोड़ा थोड़ा लिखवाना ही सिखाया है क्योंकि इसने हिंदी किया थी, मेन स्कूल में जहाँ पे अपने देवर और देवरानी के लिए, और अभी धनिया भी काटूंगी, बहुत सारे काम करने हैं, तो काम ये है, ये थोड़ा सा पोहा बनाया था, अभी रखा हुआ है पोहा, चावल मिक्स करके, तो पोहा रखा हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे बनी है आलू टमाटर की सब्जी, ये आटा गूंदा हुआ रखा है, आटा लगा हुआ रखा है, आटा सॉफ्ट हो गया है, अब ये हींग रख देती हूँ ऊपर, तो यहाँ पे मैंने बना ली आलू टमाटर सब्जी रायता, और ये गर्मा गर्म बना रही हूँ मैं पूरी, सबको मैंने बैठा दिया है खाने पर क्योंकि लेट ऑलरेडी हो गया था बहुत ज्यादा, मैंने कहा फटाफट चलो गर्मा गर्म खाओ, तो सब लोग खा रहे हैं, और शिवी मेरी खाना खिला, चाचू चाची के लिए पूरी ले जाओ, शिवी सबको खाना खिलाती है हमारे घर में, सब खा रहे हैं खाना आराम से, स्लोली स्लोली करके, एकदम लेट गए हैं भाई, कहिए साहब जी कैसा रहा खाना, इतना अच्छा कि नींद आ गई है ना, एक छोले भटूरे खाकर और एक पूरी, और एक मिर्ची आ रही है, बनाइए पूरी शिवी, ये देखिए शिवी को सब कुछ, इसका बेरन पता नहीं कहाँ चला गया, तो शिवी अभी इसी से ही काम चला ले रही है, आ गए हैं सब लोग प्ले करने, और चाची वगैरह जा रही है, तो चाची फोटो खींच रही है कुछ, यहाँ पे ये प्ले हो रहा है शिवी का, बच्चे खेल रहे हैं, शाम का वक्त है, तो चलिए मैं सोच रही हूँ इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ, अपनी देवरानी के साथ, आ जाओ देवरानी जी, तो हम लोग साथ साथ जा रहे हैं, कहाँ कहीं नहीं, मैं अपने घर पे जा रही हूँ, अपने घर पे जा रही हूँ, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।